नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए तभी से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले विपक्ष ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया, फिर उनके कई प्रोजेक्ट और कामों की जांच शुरू कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान बौखला गए और विपक्ष को पानी पी पी कर कोसने लगे। इमरान खान की बीवी पर पहला केस तब दाखिल हुआ जब उनकी सहेली पाकिस्तान से दुबई भाग गई। उसके बाद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर आरोप विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन हड़पने का भी लगा, जिसकी खूब मीडिया में चर्चा हुई। अब उन्हीं बुशरा बीबी पर बड़ा गंभीर आरोप एक बार फिर लगा है, जिसके चलते ही दो दिनों से इमरान खान घर से बाहर नहीं निकले हैं और पाक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बुशरा बीबी पीटीआई के मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद से विरोधियों को देशद्रोही बनाने के लिए कह रही हैं। क्लिप की शुरुआत बुशरा की नाराजगी के साथ होती है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने के लिए खालिद पर अपना गुस्सा जाहिर करती हैं। पाक मीडिया की माने तो इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते बुशरा बीबी ने खालिद से कहा था कि पीटीआई की सोशल मीडिया विंग को इन दिनों और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। अलीम खान और तमाम लोग मेरे, इमरान खान और मेरी दोस्त फराह खान के बारे में बयानबाजी करते हैं, इन लोगों को देशद्रोह के साथ जोड़ दो। बुशरा बीबी ने आगे कहा कि बाकी लोग अपने प्लान के मुताबिक बोलते रहेंगे, आपको उन्हें देशद्रोह के साथ जोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर धमकी भरे खत का मुद्दा उठाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि हम जानते हैं कि खत भरोसेमंद है। बुशरा ने पीटीआई सोशल मीडिया हेड को यह नैरेटिव सेट करने का आदेश दिया। पीटीआई छोड़कर जाने वाले खुद को बचाने के लिए देशद्रोहियों में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पूर्व प्रथम महिला बुशरा बीबी ने अरसलान से रूस से तेल नहीं खरीदने के मुद्दे को उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बाद इमरान सरकार रूस से तेल नहीं खरीद रही है, इमरान के साथ गद्दारी हो रही है, इन दोनों मुद्दों को जोड़ दो, इस मुद्दे को दबने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने एक ट्रेंड बनाने के लिए कहा जिससे लोगों को पता चल सके कि देश और इमरान खान के साथ गद्दारी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की बीवी क्या कुछ कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। जानकारों की माने तो अब इमरान खान बच नहीं सकते, क्योंकि सत्ता पहले ही जा चुकी है और इमरान खान विपक्ष को इतना परेशान कर चुके हैं कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहता। ऐसे में जिस तरह से सत्ता में रहते विपक्ष पर इमरान खान ने गलत तरीके से केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया, अब विपक्ष को मौका मिला है। देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ करता है और इमरान कब तक बचते रहते हैं।